हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लंबे समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए, जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है SBI कार्ड को लेकर के। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिन पहले की कुछ न्यूज़ हैं उसके बारे में तो बात करेंगे, साथ के साथ में मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँगा और थोड़ी सी नज़र हम बैलेंस शीट के ऊपर भी डालेंगे। उम्मीद मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पे मिल सकें। दोस्तों, अगर मैं बात करूं SBI कार्ड पेमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड के बारे में तो आप देखेंगे कंपनी के जो शेयर प्राइस है। दोस्तों, अगर बात करें पिछले 5 दिनों के चार्ट पैटर्न के बारे में तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि पिछले 5 दिनों में कंपनी ने क्या कुछ यहाँ पे अचीव किया है। जैसा कि आप देखेंगे, पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, एप्रिसिएशन तो नज़र आ रहा है, लेकिन यह एप्रिसिएशन इतना भी नहीं है कि कंपनी के शेयर प्राइस को तुरंत खरीद लिया जाए। पिछले 5 में अगर मैं बात करता हूँ 1 महीने के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो 1 महीने पहले आप देखेंगे लगभग 600 के आसपास था ये शेयर प्राइस और आज 700 रुपये को क्रॉस कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अंदर देख सकते हैं। पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा गिरावट इस वाले पॉइंट पर देखने को मिली है, जब इस शेयर प्राइस की कीमत 579 रुपीज़ हो गई थी, और सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी इस पॉइंट पर, यानी कि जब अभी आज की डेट में आप देखेंगे ये शेयर प्राइस 707 रुपये को क्रॉस कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रैली के साथ में रैली भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर, प्लस के अंदर, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पैंडमिक के दौरान, यानी कि पूरी के पूरे लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूँ 6 महीने के अंदर, इस दौरान लॉकडाउन के दौरान सारी की सारी चीज़ें, कंपनी की क्या हालत रही, जैसा कि आपने देखा मार्च के महीने में हर कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो नीचे गया, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड का जो एक ऐसा कार्ड था, एक ऐसा शेयर प्राइस था जो कि ऊपर गया। कारण क्या था? लोग घर में थे, पैसा नहीं था लोगों के पास, जो भी कार्ड थे उनके पास उनको उन्होंने यूज़ किया, उनसे उन्होंने EMI बनवाई, EMI के साथ में जो भी यहाँ पे होम लोन ले रखे थे, किसी ने पर्सनल लोन ले रखे थे, उसके पेमेंट करी उन्होंने उसके कार्ड के द्वारा, कार्ड से, जिसके कारण से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ और कंपनी का शेयर प्राइस इतनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, कंपनी किस पे थी, इस वाले पॉइंट पे थी, 681 के आसपास, 700 के आसपास थी कंपनी, लेकिन दोबारा से कंपनी कमबैक करने का कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि COVID-19 का असर नहीं पड़ा, असर तो हर कंपनी के ऊपर पड़ा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन कंपनी ने कमबैक करने की कोशिश जरूर से करी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम के अंदर अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा यहां पे आपको निराश जरूर होना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा देर की बात नहीं है, वो भी इस महीने के अंदर जुलाई के एंड तक यहां पे जो इसका टारगेट है वो 750 के आसपास है। अगर ये 750 पे पहुंच जाता तो लास्ट टाइम वाले जो बेंचमार्क है उसको भी ये कंप्लीट करके आगे की ओर बढ़ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 24% से कंपनी का रेवेन्यू नीचे आ गया है। नेट इनकम की बात करें तो 65% से कंपनी का यहाँ पे नेट इनकम कंपनी की कम आ गई है। EPS की अगर मैं बात करूँ तो EPS भी 72% से कम आ गया। कारण क्या है? कारण है पैंडमिक, COVID-19 कोरोना वायरस का ही सिर्फ और सिर्फ कारण है। इसी बीच में अच्छी बात यह है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कंपनी का जो है 130% से बढ़ गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट के अंदर बहुत ही आसानी से। वहीं अगर दोस्तों कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मार्केट के अंदर जो चल रही हैं, उन न्यूज़ को लेकर के क्या बात हुई है, SBI कार्ड को लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्वायरीज IESCs हुई है 72% की, आप देखेंगे माफ कीजिएगा 27% की। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 4% का हायर इसके अंदर देखने को मिल रहा है SBI कार्ड के अंदर। लास्ट कंपैरिजन के अंदर अगर मैं बात करूँ लास्ट क्वार्टर से लेकर के इस वाले क्वार्टर के अंदर 4% का हाइक आएगा, जो कि 2 महीने के अंदर है, अगस्त और जुलाई का महीना जो चल रहा है इसके अंदर आपको 4% के हाइक आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे SBI कार्ड शेयरिंग गेन नियर बाई 2%, जैसा कि ये खबर है एक दिन पहले की ये भी खबर है, 13 घंटे पहले की जो खबर है वो आप देख सकते हैं, बिजनेस के ऊपर, बिजनेस टुडे के ऊपर जाकर के देख सकते हैं, और इकोनॉमिक टाइम के ऊपर जाकर के भी आप इस खबर को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं।
कंपनी के पोर्टफोलियो जानने के लिए, कंपनी के रेवेन्यू को जानने के लिए, कंपनी की बैलेंस शीट को जानने के लिए हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए हैं और मनी कंट्रोल को हम इसका पूरा का पूरा क्रेडिट देते हैं। अगर आपने कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है तो आपको यहाँ पे आना होगा, इस वाली कंपनी की वेबसाइट पे आकर के ये सारी की सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, कंपनी के अंदर क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं और कंपनी आने वाले कुछ समय के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ये चीज़ आपको यहाँ से बहुत आसानी से पता चल जाएगी। और लास्ट 5 ईयर का कंपेरिजन भी अगर आपको करना है इक्विटी शेयर कैपिटल का या लॉन्ग टर्म बोरिंग का, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल की, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जा सकता है, साइड पे रखा जा सकता है। वहीं इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स के लिए। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के ऊपर कर्जा भी थोड़ा सा बढ़ गया है, और यहां पे शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें तो कंपनी को पिछले 3 साल से कोई भी शॉर्ट टर्म के अंदर कर्जा नहीं है। ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, खरीदना चाहें तो। अगर आपने खरीद रखा है तो उसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं खरीदा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ये शेयर प्राइस आपको अगस्त और जुलाई के महीने में काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कराने वाला है। टारगेट जैसा कि मैंने बताया कि 750 का टारगेट है, आने वाले कुछ महीने के अंदर, एक या 1.5 महीने के अंदर आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर हमें बेचना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कोई भी शेयर आप खरीदिए, कोई भी शेयर बेचिए, लेकिन उसके अंदर आपकी पर्सनल स्टडी इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। उम्मीद मैं करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।